राम राम जी, स्वागत आप सबका मोहित नैन व्लॉग्स में। और आज है संडे, बाकी कोई फर्क कौन रह रहे, संडे मंडे ट्यूसडे सब बराबर हो रहे हैं। ये संडे की खुशी भी जब होकर रहती, जब आप स्कूल में जाया करा थे, जब छुट्टी होकर रहती है, न्यू बाट देखा करते कि भाई संडे आओगा, संडे आओगा, कुछ खेलेंगे या फिर फिल्म देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बाकी चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, कुछ करना है को नहीं, सारे दिन बराबर हो रहे हैं, कोई फर्क है नहीं, खुशी है को नहीं होती बस संडे वाली जो पहला होकर रहती। और आप बताओ संडे ने के करा करो, किस तरीके का टाइम पास हुआ है, पहला के करा करते यही, और पहला में कितना फ़र्क आ गया संडे में, मेरा तो बहुत गण आ रहा है अब तक ज़्यादा। और इब नहा लू हूँ, टाइम हो गया है 2 बजे के आसपास का, पौने 2 हो रहा है शायद, तो इब आप नहा धो लें और नहा धोकर फिर अपना काम करेंगे फटाफट, और फिर देखते हैं क्या करेंगे और क्या नहीं। ऐसे कुछ प्लान तो है नहीं एक भाई संडे ने कि मैं अलग तक प्लान हो अपना के कुछ अलग करना है या कुछ और है, वही नॉर्मल रूटीन अपना तो डेली का। तो इब मैं चल पड़े हूँ अपनी स्कूटी ने उठा के मार्केट की तरफ, मगा चलो संडे है थोड़ा सा घूम गया हूँ। हर रोड देख रहे हो जमा खाली पड़े हैं, सुनसान है, गर्मी इतनी हो रही है भाई, कौन है बाहर निकल के राज्य घूमी जमा भी। और यो है अपना जाट कॉलेज, जाट स्कूल, कुछ भी समझ लो। तो इसकी स्कूटी की सुई भी खराब सी हो रही है, मेरा भी नहीं पटता तेल ताल कितना रह रहा है। और इब मैं जाऊँ हूँ भाई, चलो चलते हैं। और यो इब आपने जो शामी दिखा है मटका सा, यो है अपना कैथल का फेमस पेवा चौक, सबसे फेमस है चौक है जो कैथल में, यो है पेवा चौक। और इस पेवा चौक का आप अगर सीधे जाओ हम बस स्टैंड या करनाल रोड की तरफ, ये करनाल रोड एक है करें, अगर आप इस रोड पर सीधे जाओगे तो करनाल आ जाएगा। तो इसी रोड पर जब आप फाटक पर पहला आवाँगे तो है सोनिया का क्लिनिक कोर्ट पर शामी, सुभाष चंद्र बोस मार्केट पर। बाकी देख लो गर्मी का कितना असर हो रहा है, जमा रोड खाली, ठीक है। सुविधा भी बनाया था अड़े मेरा नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, घनी ब्रांच खुली है तो सुविधा की सारा हरियाणा में। ओ ले भाई, यू ब्लॉग बनाने का चक्कर में मैं इतना खो गया था, इतना खो गया था, मैंने तो जाने को दिया अक, मैं तो 2 काम करने थे, 1 के काम करके उल्टा है गया। चलो कोई बात को नहीं, 1 गेड़ा और मारे आऊँगा और के है भी, ब्लॉग में इतना भी नहीं खोना चाहिए अपने वीडियो बनाने में, आप न्यू भूल जाओ आप के करण खातर बाहर निकले थे, के करण खातर नहीं, बिना कुछ काम करे उल्टे घर जाने लग रहे हो, कमाल हो गया। और सामने शीशे में आप मुझे देख सकते हो कि मैं हो गया हूँ रेडी कहीं जाने के लिए, और आगे सोनिया आ गई है, क्योंकि सोनिया को मेरे से ज़्यादा जल्दी है, सोनिया भी रेडी हो गई है कहीं जाने के लिए, वो मुझे अभी तक नहीं पता है कहाँ जाने वाले हैं हम। और पुची भी खड़ा हो गया, अब इसको थोड़ा सा लगने लगा कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। और ये देखिए हमारी गाड़ी का हाल हो चुका है बिल्कुल बेहाल, क्योंकि हम नहीं रखते हैं इसकी संभाल, इतना कूड़ा जम गया इसको ऊपर, इतनी माटी जम गई है बस पूछो ना। आज कई दिन आप अच्छा मैं इस गाड़ी में बैठ तो गया, लेकिन इस गाड़ी में जमा तपन वाला काम है, मरण वाला काम है, पूछो ना कितना बुरा हाल हो रहा है। अरे दाढ़ी देखो मेरी, किसी तो सेट करवाई थी फिर नहीं होगी, फिर सेट करवानी पड़ेगी मैंने बहुत जल्द। पुच्ची को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दिया मैंने, पूरा खुश हो रहा है वो, देखो कैसे भागा घूम रहा है, मैं कहा चलो थोड़ी देर के लिए इसको खुला छोड़ देता हूँ। ये आ गई है भाई दिल्ली वाली ट्रेन, हेक के तो ट्रेन आएगा इस पटरी पे को बस। लो जी नहा धो के अपना तैयार हो गया, खाना खुना खा के मैं उठा के अपना यो बैग चल पड़ा हूँ एक बार सोनिया के क्लिनिक पे, क्योंकि सोनिया का क्लिनिक पे मैंने अब है काफ़ी सारे काम जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो पिछले 7-8 दिन तक पेंडिंग हैं, मैं काम अपन करना ही फिलहाल बहुत ज़रूरी है। पिछले 7-8 दिन तक टाइम मेरे को लग रहा था मैं काम निपटाने का, लेकिन आज इवन टले थे तो काम चल रहा को नहीं, तो मैंने सोच लिया है कि आज मैं जितने भी काम थे अपने मैं सारे ख़त्म करके उनको तो एक साइड करेंगे, और फिर अपना जो और काम पेंडिंग है लाइन वाइज उन सब नापा ख़त्म करांगे। आज पहला काम तो यो क्लिनिक पर जाकर यो वाला ख़त्म कर दूँ, अगले फिर देखांगे। और पैदल जाऊँ हूँ मैं, क्योंकि स्कूटी तो सोनिया लेकर जाए कर, और गाड़ी उठा कर जाना ऐसी गर्मी में ठीक को नहीं, क्योंकि इतनी देर में क्लिनिक आ जाऊँगा, इतनी देर में वो ठंडी होगी। लो जी भाई आया है सोनिया खातर कोई गिफ्ट, और यो आया है वीना नैन गुड़गांव से, गुड़गांव से आया भाई, के सौदा इसमें के नहीं, ओपन विद ए स्माइल, ओके देखते हैं भाई क्या है इसके अंदर, बताओ गैस करो भाई के उसका है इसमें। जो लोग सूट गैस कर रहे हैं, सूट तो मैंने लागदा कौन इसमें, संदीप
खोल फिर। संगीत कुछ समझ नहीं आ रहा कि है कि नहीं, नहीं आता किस तरह इसमें खोल है। कसूती बढ़िया पैकिंग है, इतनी बढ़िया पैकिंग तो जब हो रहा है कि इसमें कोई ऐसा सामान हो वो जो टूटने का खतरा हो। पता नहीं भाई तब तो की है कि नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखा है कि है, प्लेट सी दिखा कि है यार, प्लेट कौन भेजेगा? आराम से निकालो, आराम से। ओके दिखाई, 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 क्या आया है, क्या आया है हमारे? इसमें आया है घंटा। वो चाहिए घंटा नहीं, वो तो पहले ना ही होएगा। हां ठीक है, ये क्यों है फिर? हैं घंटा, घंटा हुआ है तो ठीक है। क्या कह रहा है इसने, नहीं बता घड़ी, घंटा घड़ी के घड़ी तो बात है, मैं पहले ना घंटा घड़ी मामा में तो इसने घंटा कह ही रहा है। चलो खोलो फिर। अरे इंग्लिश में इसको कहते हैं वॉल क्लॉक, अच्छा दीवार घड़ी, हिंदी में दीवार घड़ी, घड़ी घड़ी। बहुत बढ़िया पैकिंग है, इतनी है बढ़िया लग रही है भाई अंदर से तो। ओ माय गॉड, इसमें तो टूटे हुए कांच हैं। वाओ, मन तो कर दिया था काम, उरे तो पकड़ के ऊपर खींच दिया था। इसकी सुई टूट जा रही है, इसकी एक सुई तो थोड़ी सी निकल गई है, बंद करनी पड़ेगी। बंद नहीं हो रही भाई, तोड़ दी तूने है ना? मैंने क्या तोड़ दी, अपने आप ही निकली है ये। वो मैं सोचूंगा मैं टूट रहे हैं, देखियो कैसे हो रहे हैं। खाने की चीज है, खाने की नहीं, मैं देख तो लूं भाई। बहुत सुंदर है देखियो, इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं, मुझे दिखाने दो। इसमें एक मोर पंख है, एक कन्हैया है, ये फूल हैं, शीशे हैं, लकड़ी भी है। और मोहित ने तो नहीं था, इस टूट रही है, शीशे काटे दिए, देख पकड़ गए। ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, देखो या तो तोड़ दी, तोड़ी नहीं है। ये हो जाती है कभी ऐसे जब पता नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है। भाई इंजीनियर साहब ने ठीक भी कर दिया यार, ठीक तो बने हुए।